हाय गाइस, पिछले कुछ दिनों से ना मैं और मेरी टीम नथिंग फोन 2 ही टेस्ट कर रहे हैं और ये कुछ गिने चुने फोनों में से है जो कि पिछले एक महीने में 4 से 5 सॉफ्टवेयर अपडेट ला चुका है। मतलब इस फोन में कुछ बग्स थे, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर अपडेट आए, वो बग्स फिक्स हुए। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है यार, पिछले एक महीने के अराउंड की टेस्टिंग है सारी की सारी, जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। इनफैक्ट इस बीच ना मैंने बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज की वीडियो भी यहाँ पर रिसर्च में डाली हुई है और ऑब्वियसली उस लिस्ट में ये फोन भी है। और जब मैं इसको कॉम्पिटिशन से कम्पेयर कर रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है इस फोन की। तो अगर आप नथिंग फोन 2 खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, अगर आप टेक बार मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एकदम बेसिक एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं जो कि डिजाइन का है। और ऑब्वियसली जब नथिंग की बात आती है तो ये ग्लिफ लाइट, ये सारी बातें निकल कर आती है कि भाई डिजाइन बहुत यूनिक है। बट मेरे हिसाब से जो चीज मैं प्रायोरिटी पे रखूंगा डिजाइन में, वो इसका लाइट वेट होना है। जैसे कि मैंने बताया, इन दिनों में मैंने बहुत फोन स्विच करे हैं, मतलब पिछले एक महीने में कितने सारे फोन आ गए हैं। और जब मैं वापस इस फोन पे आ रहा था बार बार, मैंने नोटिस किया कि यार बहुत अच्छा वेट है इसका। मतलब अगर लंबे समय के लिए मुझे चैट करनी है, ये फोन बहुत कंफर्टेबल 100% मैं बोलूंगा। बट ऑब्वियसली फोन के जो मटेरियल है वो पूरा पॉलीकार्बोनेट है, और पॉलीकार्बोनेट का कुछ फायदा भी होता है जैसे कि लाइट वेट, और नुकसान भी होता है। जैसे कि नुकसान की बात करूं, पूरे टाइम इस फोन को विदाउट केस मैंने यूज करा, जिससे मैं आप लोग को प्रॉपर रिव्यू दे सकूं कि कैसा डिजाइन है। और मैं कंफर्म कर सकता हूं कि भाई 100% स्क्रैचेस आ सकते हैं इस फोन पे अगर आप विदाउट केस यूज करोगे। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं रफ यूज, मैं एक डिसेंट यूजर हूं, और तब भी लोअर बैक में यहां पर स्क्रैचेस आ रखे हैं बैक पैनल के, और फ्रंट में तो दो स्क्रैचेस क्लियरली विजिबल है। तो आई थिंक एक स्क्रीन गार्ड और कवर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस फोन में। सेकेंडली जो चीज मैंने नोटिस करी है कि जब भी मैं इस फोन को पॉकेट से निकालता हूं तो यार स्मजेस दिखते हैं, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर है ना, और ब्लैक कलर में बहुत ज्यादा स्मजेस आ रहे हैं, इनफैक्ट डर्ट भी दिख जाती है। तो ये थोड़ा सा पार्ट है जो आप कंसिडर कर सकते हो। और डर्ट से याद आया, अगर हम पुराने नथिंग फोन का एग्जाम्पल लेके चले, क्योंकि ये फोन ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वहां पर बैकमेल के अंदर वाली साइड भी डर्ट काफी लोग पहले फेस कर रहे थे। खैर मेरी अभी तक इस यूनिट के अंदर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। और अगर इस फोन की सबसे अट्रैक्टिव चीज मैं एड्रेस करना चाहूं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था उसके साथ, वो इस फोन की लाइटिंग है। देखो मैंने हमेशा ये बोला है, ग्लिफ लाइटिंग नो डाउट बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। मेरे सारे जितने भी फ्रेंड फैमिली है सबको जो है ये फोन यूनिक ही ट्रांसपेरेंट और ग्लिफ लाइटिंग की वजह से लगता है। बट ये जो ग्लिफ लाइट है मेरी लाइफ में दो जगह पे ही सेट होती है। एक, जब मैं पॉडकास्ट सुन रहा होता हूं ना, तो मुझे बैक से पता लग जाता है कितनी वॉल्यूम है और इतनी वॉल्यूम में और बढ़ा सकता हूं। अच्छा फीचर है नो डाउट। और ग्लिफ लाइटिंग का सेकंड पार्ट तो बहुत हेल्पफुल लगता है मुझे, वो एसेंशियल नोटिफिकेशन का पार्ट है। मैंने सेट करा हुआ है कि व्हाट्सएप की कोई भी नोटिफिकेशन अगर आई तो ग्लिफ का ये वाला पार्ट ऑन हो जाएगा। और जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, जितने भी नथिंग के फोन आए ना, इनको उल्टा रखने पे ये साइलेंट हो जाते हैं, और जस्ट इस ग्लिफ लाइटिंग के थ्रू ही पता लगता है वो नोटिफिकेशन आई है कि नहीं। और जब इस फोन की मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था ना कि इस ग्लिफ लाइटिंग में एक प्रोग्रेस बार का फीचर है कि अगर मैं टाइमर ऑन करूं तो प्रोग्रेस बार की तरह काम करता है, या फिर अगर मैं कैब बुक करूं तो वो ETA दिखाता रहेगा उधर, और प्रोग्रेस बार की तरह आ जाएगा कि कैब आपके कितनी क्लोज है। इनफैक्ट ये Zomato में भी वर्क करता है। बट जब रियल लाइफ में मैंने ये टेस्ट करा, तेरे बहुत इनकंसिस्टेंट है, कभी काम कर जाता है कभी नहीं करता। तो ये एक पार्ट है जो मेरे को लगा एड्रेस करना चाहिए और नथिंग को फिक्स करना चाहिए। बाकी और भी कुछ चीजें जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा, मतलब इस फोन में एक बहुत स्वीट और प्रीमियम टच है कि जो वाइब्रेशन मोटर है ना वो बहुत प्रिसाइज है। मतलब बहुत कम ऐसे फोन होते हैं जो रिंगटोन के साथ वाइब्रेशन मैच करते हैं और सिंक फील होता है, तो ये हल्का प्रीमियम टच मुझे लगा इसका। और कॉलिंग की बात चली रही है तो एक चीज जो मैं 100% हाईलाइट करना चाहूंगा वो है नेटवर्क्स। देखो यूजुअली नेटवर्क्स अच्छे काम करते हैं, मैं बोलूंगा 90% टाइम अच्छे काम करते हैं। बट एक प्रॉब्लम है जो मैं कॉन्स्टेंटली फेस कर रहा हूँ कि काफी बार मैं कॉल उठाता हूँ और मेरे को सामने वाले की आवाज आ रही होती है बट उनको मेरी नहीं आ रही होती। तो ये चीज मैंने बार बार नोटिस करी है। और जस्ट बता दूं, मैं न्यू दिल्ली में एयरटेल यूज कर रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये एयरटेल की प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी फोन्स में ये प्रॉब्लम फेस नहीं होती। आई होप ये वीडियो देखने के बाद अगर ये इशू है तो नथिंग इसको फिक्स करे यार। बट अगर मेरे को डिजाइन को रेट करना हो तो मैं सॉलिड 9/10 रेटिंग देना चाहूंगा इसके पूरे डिजाइन डिपार्टमेंट को। बाकी डिस्प्ले के बारे में यार मेरे को कुछ स्पेशल नहीं बोलना, मतलब बहुत डिसेंट डिस्प्ले इस फोन की। जो 6.7 इंच की डिस्प्ले है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल परफॉर्म करती है। देखो एक तो 1100 निट्स की ब्राइटनेस है, और प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट में इस डिस्प्ले को यूज करूं ना, मुझे ब्राइटनेस कम लगती है यार, क्योंकि अगर सनलाइट बहुत ज्यादा हिट हो रही है ना डिस्प्ले पे तो हो सकता है कि रीडेबिलिटी में भी इशू आ जाए। बट अगर मैं सनलाइट हटा के इंडोर की बात करूं, मेरे स्टूडियो में बहुत सारी लाइट्स है, वहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती, इंडोर अच्छा वर्क करता है, आउटडोर में स्ट्रगल हो सकता है। और कंटेंट व्यूइंग की बात करूं तो देखो जब HDR वीडियोस इस फोन में चलाते हैं तो 1300 निट्स की ब्राइटनेस हिट कर सकता है, और जितने
भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोज, वहां पर ये एचडीआर सपोर्ट ही नहीं करता। तो लाइक ये 1300 निट्स की जो ये पीक ब्राइटनेस है, ये ज्यादातर जगह पे आप यूज ही नहीं ले सकते। और एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मुझे याद आई, ये ना एचडीआर से रिलेटेड है नेटफ्लिक्स पे। अब नथिंग की कम्युनिटी है, वहां पर एक पोस्ट था कि भाई ये एचडीआर वगैरह क्यों नहीं है इस फोन में, और उस पोस्ट के नीचे ना एक रिप्लाई आ रखा था जहां पर नथिंग के डिस्कॉर्ड सर्वर, जो ऑफिशियल उनका डिस्कॉर्ड सर्वर है नथिंग वालों का, उसकी चैट का स्क्रीनशॉट था। और उस चैट में ना नथिंग के प्रोडक्ट मैनेजर ने खुद लिखा हुआ था कि अगर किसी फोन में प्री इंस्टॉल आता ना नेटफ्लिक्स, तभी एचडीआर का सपोर्ट मिलता है। और नथिंग की एक गाइडलाइन है, उनकी पॉलिसी है कि वो ब्लोटवेयर नहीं देना चाहते, प्री इंस्टॉल ऐप नहीं देना चाहते, तो इसलिए एचडीआर नहीं मिलता। और देखा जाए तो ये बात जो है काफी हद तक ट्रू भी है, मतलब ज्यादातर फोन नेटफ्लिक्स प्री इंस्टॉल के साथ आते हैं। बट ऑब्वियसली जितने भी पावरफुल ब्रांड्स है, सैमसंग, गूगल, अभी इंस्टॉल करे ना करे नेटफ्लिक्स, बट इनको सपोर्ट मिलता होगा, आई बिलीव, ये जिसमें एज्यूम करके बता रहा हूं। खैर टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बाकी डिस्कशन कर सकते हो इस चीज से रिलेटेड। और अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसे कि मैंने इसमें द जेंटलमैन शो देखा नेटफ्लिक्स पे, अगर मैं इस फोन को अकेले जज करूं बिना कॉम्पिटिशन को साइड बाय साइड रखे, तो बिल्कुल भी ये डिस्प्ले डील ब्रेकर फील नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्ले बहुत बेकार है, जैसे कि मैंने एक सही वर्ड यूज करा था, एक डिसेंट डिस्प्ले है। इनफैक्ट स्पीकर्स की भी बात करूं ना, तो मुझे वो भी लाउड एंड क्लियर लगते हैं। बस हाँ, ऑब्वियसली भाई यार, ये 24,000 रुपए के अराउंड का फोन है, और किसी भी फोन में हर एक चीज अच्छी नहीं हो सकती, तो लाइक जो बेस है वो लैकिंग फील होता है। बट प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ या फिर कोई भी नॉर्मल वीडियोस देखता हूँ, तो लाउड एंड क्लियर रहता है, अच्छा एक्सपीरियंस है। खैर मैं अगर बैटरी के एक्सपीरियंस बताऊं इस फोन के, तो जो 5000 mAh की बैटरी है, मेरे को ऐसा लगता है भाई वो बहुत सही परफॉर्म कर रही है। मतलब मैंने देखा है इतने दिन हो गए इस फोन को यूज करते हुए, स्टिल ये जो है 7 hours के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा कि लाइक लाइट यूसेज, मैं बता रहा हूँ एक अच्छी तरीके से फोन को यूज करने के बाद भी 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आना एक अच्छा नंबर होता है, अच्छा बैटरी बैकअप होता है। क्योंकि अपनी यूसेज भी एक्सप्लेन करूँ ना, तो उसमें जो है 5G वाईफाई दोनों मिक्स है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो मैंने ऑफ ही नहीं किया, वो पूरे टाइम ऑन रहता था। इनफैक्ट मैं एप्पल म्यूजिक पे ना LDAC के थ्रू हाई रेज म्यूजिक भी स्ट्रीम कर रहा हूँ, और बहुत सारे टास्क, चाहे फिर वो एक्सट्रीम सोशल मीडिया यूज हो, वीडियो कॉल्स हो, बट इस तरीके का बैटरी बैकअप आना ऑब्वियसली अच्छा बोला जाएगा। और बैटरी स्टैट्स दिखाऊं, तो जब मैंने फोन को बहुत ज्यादा यूज किया, तो 5 घंटे 5 मिनट के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम भी आया। और जिस दिन मैंने जस्ट पूरे दिन वीडियोस देखी हो, वीडियो कॉल्स लियो, कोई बहुत ज्यादा मतलब हेवी टास्क ना परफॉर्म करा हो, तब 8 घंटे 16 मिनट के अराउंड का भी स्क्रीन ऑन टाइम आया। बट बैटरी में एक चीज जिसने मेरे को बहुत इरिटेट करा है, वो इस फोन की चार्जिंग है। यार देखो, इस फोन के साथ कोई चार्जर नहीं मिलता, वो सच में एक एडिशनल कॉस्ट है। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, चार्जर अच्छा खरीद लेना, फास्ट खरीद लेना, क्योंकि मेरे घर पे 30W का चार्जर रखा हुआ था, पर मैंने इस फोन को चार्जिंग पे लगा दिया, 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग गया, बट ये फोन फुल चार्ज नहीं हुआ। तो ये स्लो चार्जिंग ही बोली जाएगी भाई मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं फास्ट चार्जर लगाता हूँ तभी ये जल्दी चार्ज होता है। तो मैं तो बोलूंगा 45W या फिर उससे ऊपर का ही कोई चार्जर लेना यार। इन शॉर्ट में ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस फोन के साथ 2000 रुपए की एक एडिशनल कॉस्ट आएगी ही आएगी। क्योंकि अगर मैं बेस्ट ऑफर भी मान के चलूं कि भाई CMF का चार्जर इस फोन के साथ जो मिल रहा है 2000 रुपए का, नो डाउट वो बहुत अच्छा चार्जर है, आपके आगे भी काम आएगा, बट 2000 रुपए आपको स्पेंड एक्स्ट्रा करनी है। बट हाँ, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, अगर आप फास्ट चार्जर ना भी लेना चाहो तो फिर ओवरनाइट चार्जिंग पे फोन लगाना पड़ेगा। बट पूरे टाइम इस फोन को यूज करते हुए मैंने एक ही चीज अप्रिशिएट करी है इस फोन की, वो भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करी है, वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। मतलब जिस प्राइस पे जैसा ये सॉफ्टवेयर दे रहा है ना, कोई मैच ही नहीं है यार। और इतनी कमियां छुपा देता है इस फोन की इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, मतलब मेरे को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही इंप्रेस्ड हूँ। बट स्टिल सारी बातें सही तरीके से रखने की कोशिश करूंगा, अच्छी बातें भी बताता हूँ और बुरी भी। जैसे कुछ बुरी बातें बताऊं, तो स्टार्टिंग में जब ये फोन आया तो BGMI में काफी सारे फ्रेम ड्रॉप्स दिखते थे। इनफैक्ट इस फोन को अगर हम नॉर्मल यूज भी कर रहे हैं तो जरा एप्स वगैरह खोलने में अटकता था ये। इनफैक्ट कैमरे में भी बहुत जगह कमियां थी। बट अच्छी बात यही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इतने सॉफ्टवेयर अपडेट आए इस पूरे टाइम में कि सारी की सारी प्रॉब्लम नथिंग फिक्स करता चला गया। और एकदम मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, जिस भी फोन के अंदर इतनी जल्दी जल्दी कोई भी प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ब्रांड उस फोन को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है। और इसकी वजह से मैं ना एक्चुअली में इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से बहुत इमोशनली कनेक्टेड था कि चलो एक प्रॉब्लम दिखी, अब देखते कब सॉल्व होता है। तो ये पर्टिकुलर चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। बट सॉफ्टवेयर में ना अभी भी एक बग बचा है जो मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ कि नथिंग पता नहीं कब फिक्स करेगा। काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इंटरनेट ऑन है, ऊपर 5G भी दिखा रहा है, बट स्टिल ब्राउजर में जाके कुछ ओपन करता हूँ इंटरनेट नहीं चलता। आई होप इसको जल्दी फिक्स करा जाए। बट फिर भी पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इतना क्रिटिकल तरीके से नथिंग को जज करने के बाद भी, फिर भी जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है मैं बहुत ज्यादा अच्छा बताना चाहूंगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, एक ऐसे यूजर हो जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू करता है,
ये एक अकेला फोन है इस प्राइस सेगमेंट। बाकी परफॉर्मेंस की बात यार बहुत लाइटली बता देता हूँ, मतलब जो इसमें प्रोसेसर है ना मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200, एक ठीक ठाक प्रोसेसर ही बोला जाएगा इस प्राइस सेगमेंट में। और पर्सनली इस प्रोसेसर से ना इस प्राइस में मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी हुई। गेमिंग की एग्जांपल से समझ लो कि ये फोन जो है वेरी फर्स्ट डे से ही 90 FPS ले आता है COD के अंदर। और BGMI की बात करूं तो पहले तो बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते थे जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर में बताया था आपको, बट हाँ अपडेट के बाद अब 60 FPS आराम से मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने टेस्ट करी कि फोन में हीटिंग इश्यूज है कि नहीं। जैसे कि मैंने इन दो गेम का नाम लिया है, इनमें जो है गेम प्ले के बाद ना ही ये हीट करता ना ही कोई प्रॉब्लम होती। तो अगर आप लाइट गेमिंग करते हो या फिर जो हो सोशल मीडिया भी यूज करते हो तो मैं ऐसा एज्यूम करके चलूंगा जैसी परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस था कि अगले 2 साल तक भी ये ठीक परफॉर्मेंस लाकर दे देगा। और बहुत क्लियरली बता रहा हूं, अगर गेमिंग आपकी हाई प्रायोरिटी है तो इस फोन में UFS 2.2 स्टोरेज है, LPDDR4X रैम है। इन दो चीजों को देख के मैं नहीं बोलूंगा कि आपको यही फोन खरीदना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको फील होने लगेगा क्योंकि गेमिंग बढ़ती रहती है यार ओवर टाइम, थोड़ी परफॉर्मेंस की कमी महसूस होने लगेगी। अब फाइनली कैमरे के बारे में बातें बताता हूँ। देखो जो 50+50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, परफॉर्म तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करता है। जो इस फोन का प्राइमरी कैमरा है ना, इन फोटोज को ध्यान से देखो, आपको हर बार लगेगा कि डिटेल्स तो बहुत अच्छी निकालता है फोन। और कलर्स की बात करूं तो वो सैचुरेटेड होते हैं बट ओवरऑल अच्छी लगती है फोटो। और एक बात मैंने नोटिस करी कि इस प्राइस सेगमेंट में अगर कोई भी फोन से आप फोटो खींचते हो ना और ट्री की फोटो खींचते हो तो वहां पर डिटेल मैस होने लगती है, बट ये फोन बहुत सही से हैंडल करता है। इनफैक्ट इतने दिनों की टेस्टिंग में ना बहुत डिफिकल्ट लाइटिंग सिचुएशन में मैंने फोटोज खींची है और HDR हर बार अच्छा काम कर जाता है, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ना ये बार बार फेल होता है इसका कैमरा। जैसे कि ये फोटो देखो, जब भी मूवमेंट के टाइम पे मैं फोटो खींच लेता हूँ और HDR की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर नॉइज आ जाती है, ऑब्वियसली ये फोटोज देखने में अच्छी नहीं लग रही। और फॉर सम रीजन जब भी इंडोर में ह्यूमन शॉट्स में कैप्चर करता हूं तो वहां पर स्किन कभी भी एक्यूरेट नहीं रहती। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बुरा लगता है देखने में, बट क्या तो स्किन येलो आएगी या फिर ग्रीन आएगी। बट ये सेम चीज अगर आउटडोर जज करी जाए तो वहां पर मैं इनएक्यूरेट नहीं बोलूंगा स्किन को, हाँ ओवर सैचुरेटेड होती है बट बुरी नहीं लगती। और अगर लो लाइट फोटोज भी मैंने खींची है ना तो हाथ बहुत स्टेबल रखना पड़ता है, सब्जेक्ट को भी स्टेबल रखना पड़ता है, तब अच्छी फोटो आती है। कंफ्यूज मत होना, कमियां इसलिए बता रहा हूं आपको पता होना चाहिए फोन खरीदने से पहले, नहीं तो 80% टाइम ये कैमरा बहुत सही परफॉर्म करता है प्राइस के हिसाब से। और जो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है ना, वो तो प्राइस के हिसाब से मैं अच्छा ही बोलूंगा, डिटेल्स आती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और क्या मस्त सेल्फी आती है यार, बहुत डिटेल होती है। पर मैं तो नथिंग को ये बोलूंगा, जो फ्रंट कैमरे में स्किन टोन्स है ना वो बैक कैमरे में डाल दो यार, बहुत एक्यूरेट रहती है। इनफैक्ट जो वीडियो भी है ना वो भी डिसेंट तरीके से परफॉर्म करती है यार ओवरऑल देखा जाए प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, बट जो स्किन टोन है वो यहां पर भी सैचुरेटेड रहती है। तो अब सारी बातों को इकट्ठा करता हूं और आपको कंक्लूजन बताने की कोशिश करता हूं। देखो मैं सिंपली बोलता हूं, सबसे पहले अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो तो ये वाला फोन मत खरीदना, आप शायद से सेटिस्फाई नहीं होंगे। बट सेम टाइम पे मैं ये भी एडवाइस करूंगा, अगर आप सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो, इसके अलावा मार्केट में और कोई फोन नहीं है। इनफैक्ट इस फोन में जैसा डिजाइन मिलता है, जैसा कैमरा मिलता है, वो भी बहुत वैल्यूएबल बोला जाएगा। और जैसे कि मैंने परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में एक्सप्लेन करा था, मासेस के लिए जो सोशल मीडिया यूज करते हैं उनके लिए परफॉर्मेंस भी इनफ है। तो ओवरऑल पैकेज देखा जाए, अगर आपको जो है सॉफ्टवेयर मैटर करता है, 100% आप ये फोन खरीद सकते हो। और मेरे हिसाब से ना ये इतना यूनिक फोन है कि ये ना सॉफ्टवेयर के अलावा ये कहीं पे भी बेस्ट नहीं है, हर जगह पे अच्छा है। और पर्सनली इस फोन को रिव्यू करने में मुझे बहुत मजा आया। ये था भाई मेरी टेस्टिंग, मेरा एक्सपीरियंस। आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में? अगर यूज कर रहे हो तो अपना भी रिव्यू लिखकर जाओ, बहुत लोगों की हेल्प होती है यार। आई होप मैंने आपकी किसी वे में हेल्प करी हो यार। मैंने कोशिश करी है सारी बातें एज इट इज रखने की, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। स्टिल कंफ्यूजन है, आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम हैंडल लिख देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक पर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।